नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा हरसोली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड और बीएसटीसी में बेटर क्या है। दोस्तों आप में से बहुत से साथियों के इस संबंध में कमेंट आए जिनके यही प्रश्न जिनमें पूछा गया कि सर आप ये बताएं कि बीएसटीसी या बीएड में से बेटर क्या रहेगा। आप में से बहुत से साथी इस विषय में कन्फ्यूज हो रहे हैं। आज की वीडियो को देखने के बाद में आपके ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये सब दूर हो जाएंगे, इसलिए आज की इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। और इसी के साथ साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप लाइक बहुत कम करते हैं, यदि आपकी फिर भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी रह जाती है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी प्रत्येक कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूं। इसके अलावा आपके लिए आपके कमेंटों पर आधारित वीडियो भी बनाता हूं। यदि आपको इससे पहले वाली कमेंट आधारित वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना, क्योंकि इससे अगली वाली वीडियो में भी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों एक बात मैं आपसे ज़रूर रिमाइंड करा दूं कि आप वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस संबंध में नोटिफिकेशन तुरंत आ जाता है जिसमें वॉच करने वाले व्यूअर्स कितने हैं और सब्सक्राइबर कितने हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात समझा देता हूं, सब्सक्राइब करने वालों का मेल अलग से आता है और उनकी ही मैं अब कमेंट शामिल करने वाला हूँ, क्योंकि आपको बता दूं कि जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनके पास में हमारी आधी ही वीडियो ही जा पाती है। अर्थात हम जो भी नॉलेज से संबंधित, शिक्षा संबंधित, रोज़गार संबंधी वीडियो बनाते हैं उन तक उनका नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, इसलिए उनकी ये कंप्लेंट ही रहती है और वो हमें कमेंट करके पूछते भी हैं जबकि उस संबंध में हम वीडियो अपलोड कर चुके होते हैं। इसलिए आपको बता दें कि आपकी राजस्थान में रोज़गार या शिक्षा से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब हम दोस्त को आपको ले चलते हैं आज के विषय की तरफ। देखिए साथियों, बीएड या बीएसटीसी क्या किया जाए, किस में है फ़ायदा, ये कन्फ्यूज़न काफ़ी स्टूडेंट्स के हैं और आप में से ज़्यादातर इसी उलझन में है कि बीएड की जाए या बीएसटीसी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बीएसटीसी को ही ले लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि बीएसटीसी क्यों करते हैं हम। सबसे पहला जो पॉइंट है आपके लिए पॉजिटिव, वो मैं आपको बता दूँ कि एक तो प्लस टू करते ही आपको विकल्प मिल जाता है किसी भी भर्ती की लाइन में खड़े होने के लिए। आप जैसे ही प्लस टू करते हैं, प्लस टू के बाद नेक्स्ट टू ईयर में आपका ये बीएसटीसी का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। बीएसटीसी का डिप्लोमा कंप्लीट होते ही आप किसी शिक्षा टीचर बनने के लिए लेवल वन में योग्य हो जाते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि बीएसटीसी को बीएड से ज़्यादा प्रीफ्रेंस क्यों दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि एक तो बीएसटीसी में कंपटीशन बहुत कम होता है। इसका मैं ताज़ा आपको एक उदाहरण समझा देता हूँ। दोस्तों ये टीचर भर्ती जो 2018 में निकली थी लेवल वन के लिए, उसकी एक विज्ञप्ति है। ये विज्ञप्ति मैं केवल आपको एक एग्जांपल तौर पे दे रहा हूँ, बाकी आप पिछली 2008 से लेकर के 5 में तो ये डिवाइडेशन नहीं था, 2008 में ये डिवाइडेशन हो गया था। तो 8 के बाद जितनी भी भर्तियाँ निकली उन सब का नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए लेवल वन में 19,819 पद निकले थे। अब आप यहाँ क्लियर समझ लें, ये लेवल फर्स्ट के लिए थे, तो लेवल फर्स्ट में जब 19,819 पद निकले तो ये इनमें फॉर्म लगभग 1.5 लाख के आसपास भरे गए थे। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये 19,819 या आप माने ये 20,000 जो पद थे वो 1.5 लाख परीक्षार्थियों के लिए थे, अर्थात अब कंपटीशन 1.5 लाख से ही था। तो यदि हम इसका रेशो निकाल के यदि हम चेक करें, अर्थात 75 जो विद्यार्थी हैं उन पे एक का सिलेक्शन होना था, ये रेशो आ रहा था यहाँ पर। तो अब मैं आपको एक बात यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि 1.5 लाख में ही केवल कंपटीशन था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बीएसटीसी करने के बाद जो टीचर लेवल के लिए जो भर्ती होती है उसका जो सिलेबस होता है, आपको बता दूँ वो सिलेबस भी शॉर्ट होता है वनस्पत लेवल 2 के, क्योंकि इसमें आपको सभी सब्जेक्ट से संबंधित नॉलेज होनी चाहिए और वो भी डीपली नहीं, केवल सरफेसली नॉलेज के क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब इसी प्रकार यदि हम बीएड को देखें तो
तो ये विज्ञप्ति भी 2018 की थी, जिसमें आपको देखिए ये टोटल पद लेवल 2 के लिए निकले हुए थे। अब नुकसान क्या है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान था वो ये है कि इसमें एक तो सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेशन कर दिया जाता है, जिससे यदि आप SSK हैं तो आपको केवल 2800 पदों पर ही भर्ती में शामिल हो पाएंगे। यदि आप अंग्रेजी के, तो यहाँ अंग्रेजी वालों को काफ़ी बेनिफिट दिया गया था, 9178 पद निकाले गए थे। हिंदी के लिए 4762, गणित के लिए 5728 और संस्कृत के लिए 623। तो दोस्तों ये अनुमानित जो पद हैं आपके सामने, ये निकले थे लेवल 2 में। तो अब आप यहाँ देखिए, एक तो आप इसीलिए पद की दौड़ से दूर हो गए कि यदि आपके पास हिंदी है तो ये बाकी और जो सब्जेक्ट की विज्ञप्ति है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। अब हम इन समग्र पोस्ट को देखें और इसके अकॉर्डिंग अब हम इन कॉम्पिटिटिव देखें तो आपको यहाँ पर बता देते हैं ये लगभग 23,000 पद हैं। लेकिन अब यहाँ यदि हम इन 23,000 पदों के लिए कैंडिडेट चेक करें तो लगभग 8 से 10 लाख परीक्षार्थी बीएड वाले होते हैं। तो यहाँ कंपटीशन आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि अब आपको 8-10 लाख लोगों का सामना करना होगा। यदि आप इनमें से यूँ कहें भाई सब्जेक्ट वाइज बढ़ जाते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज बांटोगे तो आपकी पोस्ट भी तो डिवाइड हो जाएंगी। इसलिए कंपटीशन BSTC के वनस्पत इसमें 5 से 10 गुना ज़्यादा रहता है। वैसे ही यदि आप इसके अकॉर्डिंग देखें, पोस्ट लगभग उतनी है, लेकिन वहाँ 1.5 लाख थे, यहाँ 8 से 10 लाख, कहने करते हैं 5 से 6 गुना कंपटीशन ज़्यादा होता है बीएड में वनस्पत BSTC के। दूसरी एक और सबसे बड़ी जो डीमेरिट सम लेकर चल सकते हैं बीएड की, बीएड का जो सिलेबस होता है वो BSTC वालों के वनस्पत कुछ हैवी होता है, क्योंकि वो 10+2 स्तर होता है। यहाँ आपका लेवल हो जाता है स्नातक लेवल, इसलिए सिलेबस कुछ ज़्यादा होता है। तो इस वजह से यदि हम देखें तो छोटा सिलेबस होने की वजह से उसकी तैयारी साल या 6 महीने के अंतर्गत हम बहुत अच्छी कर लेते हैं और कंपटीशन फाइट कर जाते हैं। जबकि बीएड की यदि बात करें लेवल 2 में, तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है इस वजह से और कॉम्पिटिटिव भी ज़्यादा है, तो आपको लगभग 2 वर्ष की गहन तैयारी की आवश्यकता होती है, तब कहीं जाके आपको सफलता मिल पाती है। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, जो बहुत ही ज़रूरी आपको जानने के लिए, कि भारत सरकार का एक गजट नोटिफिकेशन निकला था जिसमें एक ब्रिज कोर्स के संबंध में चर्चा की गई थी कि भाई बीएड वालों को भी लेवल 1 में शामिल किया जाएगा। दोस्तों बिल्कुल ये चर्चा आई थी और ये नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, जिसमें लेवल 1 में बीएड वालों को मौका देने के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, इस संबंध में अभी तक जो सूचना है उसमें यही आया है कि इसमें केवल लेवल 1 के अंतर्गत बीएड वालों को शामिल करने पर विचार किया जाएगा, इससे ज़्यादा अभी इसमें कुछ भी नहीं हो पाया है। इसलिए आपको इसमें शामिल होने के लिए, यदि बीएड वालों को शामिल भी कर देते हैं तो भी इतना कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला आपके ऊपर है नहीं, क्योंकि इसका ज़्यादा देखें तो आपको बेनिफिट इस बात का है, आपको बता दें कि एक तो 2+2 करते ही 2 साल में आपको डिप्लोमा मिल जाता है, तो 2 वर्ष के अंदर आप जो है भर्ती देखने के योग्य हो जाते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि BSTC करते करते आप प्राइवेट रह करके BA या BSc भी कर सकते हैं, तो आपके साथ साथ में ग्रेजुएशन भी हो जाती है और इधर डिप्लोमा BSTC का भी मिल जाता है। तो BSTC करने के बाद में आप फिर BEd या MA वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, ये और एक विकल्प आपको यहाँ पर मिलता है। आप जब BSTC करें तो एक बात की ज़रूर इंक्वायरी करना कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट, मैं आपको बता देता हूँ कि स्नातक BA BSc या BEd करने के बाद भी BSTC करते हैं। आपको बता दें BTech वाले कैंडिडेट भी आपको BSTC करते हुए मिल जाएंगे। कारण इसका बहुत बड़ा आपको बता दें कि 12वीं करने के बाद में फ्रेशनर केवल 5 से 10% स्टूडेंट्स ही होते हैं जो BSTC का कंपटीशन फाइट कर पाते। इसका बड़ा कारण यही है कि कंपटीशन प्री BSTC का हैवी है, जबकि PTET का इजी है। वो आप देख भी रहे होंगे इस वर्ष भी कि BSTC में 7 लाख से एबो ही कैंडिडेट बैठे हैं एग्ज़ाम में, जबकि PTET में इतना हैवी कंपटीशन नहीं है, जबकि PTET की सीट भी BSTC की वनस्पत 5 गुना ज़्यादा है। इस वजह से PTET का कंपटीशन बहुत हल्का है वनस्पत BSTC के।
फ्रेशनरों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनका इतना जीके ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है, और जो बी एड कर चुके होते हैं तो बी ए स्नातक वाले जो होते हैं उनका काफ़ी अच्छा डीपली तैयारी भी हो जाती, इस वजह से फ्रेशनर केवल 5 से 10% ही बी एस टी सी में सेलेक्ट हो पाते हैं। तो इस वजह से भी प्रायोरिटी दी जाती है कि बी एस टी सी की जाए, क्योंकि बी एस टी सी में कॉम्पिटिशन कम होता है और 19,000 समथिंग सीट निकली तो उनका डिवाइडेशन भी नहीं होता है। ये एक बड़ा कारण माना जाता है बी एस टी सी करने का। अब हम आपको ले चलते हैं बी एस टी सी में कि बी एस टी सी की और क्या मेरिट्स हैं जो हमें बी एस टी सी करनी चाहिए बजाय बी एड के। आपको बता देते हैं, यहाँ पर बी एड में कॉम्पिटिशन तो ज़्यादा ही, साथ में कंपटीशन बढ़ भी रहा है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 90,000 के आसपास तो राजस्थान से और तकरीबन 20-25,000 आउट स्टेटों से बीएड करके आ रहे, तो हम एक एवरेज मान सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष 1,00,000 परीक्षार्थी तो जुड़ ही जाते हैं जो कि बीएड की योग्यता ले लेते हैं, जबकि बीएसटीसी में लगभग 15,000 से 20,000 के आसपास ही परीक्षार्थी हर वर्ष ऐड होते, इसलिए बीएसटीसी का कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है बजाय बी एड के। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके जो कमेंट्स थे उनसे रिलेटेड चर्चा की हमने कि बी एस टी सी की जाए या बी एड की जाए। दूसरा बड़ा जो ब्रिज कोर्स था वो ब्रिज कोर्स के बारे में हमने भी इस संबंध में चर्चा की। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई और क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी कमेंट को लेकर के अगली वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों आपसे पुनः एक बार और रिक्वेस्ट है, आपके लिए बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके कमेंट रिलेटेड जो हम वीडियो बनाते हैं उसमें मैं आपको बता दूं, यदि आप वीडियो वॉच करते हैं व्यू करते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने वाले का नोटिफिकेशन मेल पर आता है और उन्हीं के कमेंट को मैं सबसे पहले लिस्ट में लेकर रीड करने का प्रयास करता हूँ। तो इस और दूसरी बात कि बहुत से कमेंट में आप पूछते हैं कि द्वितीय वर्ष की फ़ीस क्या है, तो बहुत सी वीडियो आपसे मिस हो जाती हैं, तो दोस्तों इसमें आपका ही फ़ायदा है कि आप बार बार कमेंट पूछते हैं, इससे बेटर है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो दोस्तों आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपकी जो ये काफ़ी क्वेश्चन से कमेंट है वो वैसे ही हल हो जाएंगे। इस वजह से आप ज़रूर हमें ये कमेंट करके बताएं कि आपकी समस्या क्या है। बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, नमस्कार।